हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताश तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने माउस के बटन के स्वाइपिंग के बारे में। फॉर एग्जांपल, आप लोग लेफ्ट बटन राइट कैसे करना है, राइट बटन लेफ्ट में कैसे करना है। जैसे अगर आप लोग राइट हैंडेड हो तो वहां पे अगर आप लोग माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना आप लोग इंडेक्स फिंगर यूज करते हो, और अगर माउस का राइट बटन प्रेस करना आप लोग यहाँ पे मिडल फिंगर यूज करते हो। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग लेफ्ट हैंडेड हो, अगर आप लोग लेफ्ट ही हो तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आता है कि जैसे आप लोग मिडल फिंगर से यहाँ पे आप लोग लेफ्ट क्लिक करना होता है और राइट क्लिक के लिए आप लोग इंडेक्स फिंगर यूज करना होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप लोग ये बटन स्वाइप करना है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लोग लेफ्ट हैंडेड हो तो वहां पे आप लोगों को इंडेक्स फिंगर पे लेफ्ट क्लिक आना चाहिए और मिडल फिंगर पे यहाँ पे आप लोगों को राइट क्लिक आना चाहिए। तो यहाँ पे ये बटन हम लोग कैसे स्वाइप करेंगे, तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में आप लोग प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना और वहां पे ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कुछ नई वीडियो अपलोड कर दूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग विंडो बटन प्रेस करना है और यहाँ पे टाइप करना है माउस। माउस टाइप करने के बाद में आप लोग एंटर कर सकते हो या फिर माउस सेटिंग इस ऑप्शन पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे माउस की विंडो पे आ जाओगे। माउस की विंडो पे आने के बाद में आप लोग फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया सिलेक्ट योर प्राइमरी बटन, मतलब आप लोग माउस का जो लेफ्ट बटन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्राइमरी, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे लेफ्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट ही है। लेकिन अगर आप लोगों को राइट करना है, मतलब आप लोग जो मिडल फिंगर राइट ही अगर हो तो मिडल फिंगर जो आप लोग राइट क्लिक करते हो वहां पे अगर आप लोग लेफ्ट क्लिक शो करना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे राइट सिलेक्ट कर देंगे। राइट जैसे आप लोग सिलेक्ट कर देंगे, सिलेक्ट करने के बाद में जो आप लोगों का माउस का राइट बटन था जो आप लोग मिडल फिंगर से यूज करते हैं वो लेफ्ट क्लिक हो जाएगा। जैसे अगर आप लोगों को यहाँ पे ये विंडो क्लोज करना है तो यहाँ पे आप लोग राइट क्लिक जैसे ही करोगे मतलब उसी का युद्ध लेफ्ट क्लिक बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं विंडो क्लोज हो जाएंगे। फिर से मैं माउस की विंडो ओपन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे माउस टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे, एंटर करने के बाद माउस की विंडो ओपन हो गई। तो यहाँ पे जो विंडो आप लोग दी जाती बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही है, लेकिन अगर आप लोग राइट करने तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग फिर से आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मतलब मैं माउस का जो अगर राइट ही हो तो राइट से मैं यहाँ पे मिडल फिंगर प्रेस करके राइट क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक का यूज हो रहा है। उसके बाद में मुझे यहाँ पे कोई सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैं फिर से राइट पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब आप लोगों के जो बटन से यहाँ पे आप लोग स्वाइपिंग कर सकते हो लेफ्ट हैंडेड के हिसाब से, या फिर अगर आप लोगों का कोई बटन अगर खराब हुआ है तो वहां पे भी आप लोग यहाँ पे स्वाइपिंग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जो सेटिंग आप लोग बताई विंडोज 10 के लिए, लेकिन अगर आप लोग विंडोज 7 यूजर हो तो विंडोज 7 में भी सेम सेटिंग है। आप लोग विंडो बटन प्रेस करना है, वहां पे माउस टाइप करना है। माउस टाइप करने के बाद में सिर्फ वहां पे क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे एडिशनल माउस पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप लोग ये जो विंडो ओपन हो गई है यहाँ पे, तो सेम विंडो आप लोगों को यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ये माउस की विंडो वहां पे ओपन होने के बाद में आप लोगों को बटन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन, तो यहाँ पे आप लोगों को ये चेकबॉक्स जो यहाँ पे शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जो आप लोग यहाँ पे लेफ्ट क्लिक शो हो रहा है वो राइट क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप लोग विंडोज 7 हो तो वहां से भी कर सकते हो, विंडोज 10 में तो ये ऑप्शन है ही। तो यहाँ पे आप लोग ये ऑप्शन देख रहे हैं, आप यहाँ पे राइट क्लिक के ऊपर आप लोगों का जो प्राइमरी बटन सेकेंडरी पे चला गया, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंगली प्राइमरी बटन सेकेंडरी पे या सेकेंडरी बटन प्राइमरी पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसे अप्लाई करके ओके कर दूंगा तो यहाँ पे जो भी मेरा माउस का राइट बटन है वही लेफ्ट बटन यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसकी सेटिंग फिर से यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, जैसे राइट बटन क्लिक किए उसके बाद में यहाँ पे अप्लाई करके ओके कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे चेंज करना नहीं क्योंकि मैं राइट ही हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मुझे यही बताना था कि हम लोग अपने माउस बटन का जो भी लेफ्ट बटन है राइट कर सकते हैं, राइट बटन को लेफ्ट बटन कर सकते हैं, स्वाइपिंग कैसे करेंगे ये प्रैक्टिकली बताया हूं। अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आपके जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी डाउट्स होंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।